जब से मैंने उत्तराखंड में ट्रैवल करना शुरू किया है लैंडस्केप एंड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए, तो मैं बहुत ही फॉर्चुनेट रहा हूँ टू एक्सपीरियंस मोमेंट्स, ऐसे मोमेंट्स जो मैं अपनी पिछली लाइफ में इमेजिन भी नहीं कर सकता था, ऐसे मोमेंट्स जिनको शब्दों में बयां करना आई थिंक इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। जब भी मैं किसी लोकेशन पर ट्रैवल करता हूँ, स्पेशली फॉर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, तो मेरा कंसर्न, मेरा ऑब्जेक्टिव कभी भी ये नहीं होता है कि मुझे नंबर ऑफ स्पीशीज या कोई चेकलिस्ट है मेरी जो मुझे बढ़ानी है। मेरा ऑब्जेक्टिव जब भी मैं किसी लोकेशन पर ट्रैवल करता हूँ इज टू स्पेंड एज मच एज पॉसिबल टाइम एक पर्टिकुलर स्पीशीज के साथ। आज मैं आपसे एक ऐसा ही मोमेंट शेयर करूंगा, एंड दिस मोमेंट इज विद द हिमालयन वल्चर्स। तो हिमालयन वल्चर्स मैंने पिछले सालों में कई बार देखे हैं एंड उनके साथ बहुत ज्यादा टाइम भी स्पेंड किया मैंने। अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, सनराइज जस्ट हो ही रहा था, व्हेन सडनली आई सॉ कि कम से कम 8 या 10 वल्चर्स अपने रूस्टिंग स्पेस से, जहाँ पर रात को रूस्ट कर रहे होंगे, वहाँ से उठे एंड दे स्टार्टेड टू सर्कल द वैली जो मेरे ठीक नीचे थे। अगर आपको पता नहीं होगा तो जो वल्चर्स का फ्लॉक होता है जब वो उड़ रहा होता है तो उसे कैटल ऑफ वल्चर्स कहते हैं। तो दिस मॉर्निंग आई वाज विटनेसिंग अ कैटल ऑफ वल्चर्स एनसर्कलिंग द वैली बिलो मी। जो रैप्टर्स होते हैं वो एकदम से बड़े नहीं होते हैं, दे रिक्वायर आई थिंक 4 to 5 years फॉर अ जो जुवेनाइल होता है उसको पूरी तरह एडल्ट होने में कम से कम 4 या 5 साल लगते हैं। तो जितने भी वल्चर्स आप सामने देख रहे हैं, इसमें आपको हर स्टेज के वल्चर्स दिख रहे हैं, राइट फ्रॉम जो इस साल हुए होंगे टू फुल्ली ग्रोन एडल्ट्स। उड़ते हुए वल्चर्स पे अर्ली मॉर्निंग की लाइट भी पड़ रही थी एंड इफ आई से इट वाज लुकिंग ब्यूटीफुल दैट वुड बी अ रियल रियल अंडरस्टेटमेंट। वेरीगेटेड लाफिंग थ्रिशर्स को साइट करना हिमालय में इज नॉट वेरी ईजी। ये हिमालय में होती तो हैं लेकिन इनकी साइटिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है एंड दे आर नॉट एज कॉमन एज द अदर लाफिंग थ्रिशर्स जो मैंने आपको पहले दिखाए होंगे। इतने सालों मैंने वेरीग्रेट लाफिंग थ्रिशर्स को बहुत ही कम लोकेशंस पे देखा है एंड दिस मॉर्निंग जैसे ही मैंने हिमालयन वल्चर्स को शूट करना ख़त्म किया, आई सॉ दिस 2 or 3 वेरीग्रेट लाफिंग थ्रिशर्स जो
वही मेरे आसपास थी। आप देख ही पा रहे होंगे जो इसके विंग के पैटर्न्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं। एंड दिस वॉज द फर्स्ट टाइम मैं इसको इतनी क्लोज से नोटिस एंड अप्रिशिएट कर पाया। जब मैं वेरिगेटेड लाफिंग थ्रशर्स को शूट कर रहा था तो सडनली आई हर्ड द कॉल ऑफ ब्लैक थ्रोटेड बुशटिट्स। एंड ब्लैक थ्रोटेड बुशटिट को अगर आपने क्लोजअप से देखा होगा कभी, या आई डोंट नो आपने देखा है नहीं देखा, लेकिन दे आर प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट क्यूटेस्ट लुकिंग बर्ड्स। क्योंकि इंसानों से बहुत कम शर्माती हैं, तो I was standing at a distance of like 15 to 20 feet of them, 10 से 15 feet के distance पर मैं खड़ा था, and they did not mind at all, and here I think वो जो पत्तों पे जो पाला पड़ा हुआ है, जो वाइट पाला है, I think वो उससे पानी पी रहे हैं। ब्लैक थ्रोटेड बुशटिट के पीछे जो बर्ड देख रहे हैं, जो दो बर्ड्स हैं, दे आर येलो ब्राउ टिट्स। एंड फ्रैंकली इतने सालों से मैंने ट्रैवल किया गढ़वाल में, लेकिन मैं इन बर्ड्स को आई थिंक थर्ड या फोर्थ टाइम में देख पाया हूँ। दीज बर्ड्स आर क्वाइट डिफिकल्ट टू स्पॉट।